अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमने अपने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 9.4 के पहले 12 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से 24 तक सॉल्व करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पहले 12 सवालों की तरह इन सवालों की भी समझ आ जाएगी। तो हम सवाल स्टार्ट करने से पहले इन सवालों में इस्तेमाल होने वाले फार्मूले लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल सॉल्व कर लेते हैं। पहला फार्मूला हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट सेम उसी तरह से सवाल सॉल्व करने से पहले मैं दोबारा से बताता चलूं कि हम सवाल उस साइड से सॉल्व करेंगे जिस साइड में टेन या फिर कॉट मौजूद होगा, ताकि हम tan को लिख सकते हैं sin over cos और cot को लिख सकते हैं cos over sin, और हम कभी भी sin में से cos फार्मूले के अलावा नहीं निकाल सकते। जी सवाल स्टार्ट करते हैं। सवाल हमारे पास है 1 plus cos theta over 1 minus cos theta is equal to cosecant theta plus cot theta। स्टूडेंट सेम उसी तरह से सवाल को हम हल करेंगे राइट हैंड साइड से, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमें cot नजर आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं cos over sin। राइट हैंड साइड से सवाल को सॉल्व करते हैं, cosecant theta प्लस cot theta होल का स्क्वायर, cosecant को हम लिखेंगे 1 over sin theta, उल्टे फंक्शन को सबसे पहले सीधा करके लिख लेते हैं cos theta over sin theta। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्क्वायर वैसे का वैसे इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन से साइन कैंसिल, तो 1 प्लस cos थीटा होल का स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा होल का स्क्वायर साथ में साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स गौर से देखें, हमें लेफ्ट हैंड साइड में नजर आ रहा है कि हमें उसे जवाब देना है 1 प्लस cos थीटा में, तो हमारे पास 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर मौजूद है। कोई ऐसा काम करते हैं किसी तरीके से स्क्वायर कैंसिल हो, तो हम इस फार्मूले से वैल्यू फाइंड करेंगे sin स्क्वायर थीटा की, तो हमारे पास क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा यहां पे प्लस का, तो दूसरी तरफ क्या होगा माइनस का, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो मैं इस sin स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखूंगा, 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर वैसे का वैसे ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास फार्मूला है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो आप इसे लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा होल का स्क्वायर ओवर a माइनस b a प्लस b। तो क्या बनेगा, 1 प्लस cos से ये स्क्वायर कैंसिल, तो हमने उसे प्रूव क्या करके देना था, 1 प्लस cos थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है secant थीटा माइनस tan थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस sin थीटा ओवर 1 प्लस sin थीटा। सेम उसी तरह से जी क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से सवाल को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड में tan नजर आ रहा है, तो हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो मैं इस सवाल में डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करूंगा, secant थीटा को हम लिख सकते हैं 1 ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा ओवर cos थीटा। जी क्या करते हैं, स्क्वायर वैसे का वैसे, ये क्या बन जाएगा, इसका एलसीएम लेते हैं तो cos थीटा cos से cos कैंसिल, तो 1 माइनस sin थीटा होल का स्क्वायर। स्टूडेंट्स अभी हमने सवाल को सॉल्व किया था जिसमें हमने उसे जवाब दिया cos थीटा में, यहां पे गौर से देखें तो हमने उसे जवाब देना किसमें, sin थीटा में। सेम उसी तरह से इस फार्मूले से cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यहां पे पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 1 माइनस sin थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो सेम उसी तरह से मैं इस cos स्क्वायर थीटा को लिखूंगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, सेम इस फार्मूले से यहां से cos की वैल्यू फाइंड करते हैं, sin प्लस का लेफ्ट साइड पर, राइट पे किस पे होगा माइनस में, इसको लिखते हैं 1 माइनस sin थीटा का स्क्वायर ओवर 1 माइनस sin थीटा
वन प्लस साइन थीटा, तो ये माइनस स्क्वायर कैंसिल, यही चीज उसे प्रूव करके देनी थी। तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट सवाल आपके पास है 15वां सवाल, तो इसको सॉल्व करते हैं। पंद्रह सवाल हमारे पास है, टू टेन थीटा ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा साथ में कॉस थीटा। तो स्टूडेंट सेम उसी तरह से मैं लिखूंगा टू इस टेन को साइन थीटा ओवर कॉस थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा था तो मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, तो इनके अलग अलग एलसीएम ले लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, ये टू साइन थीटा कॉस थीटा वैसे का वैसे, इसका एलसीएम लिया तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर बनेगा, इसका डिनोमिनेटर 1 है तो 1 से कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स गौर से देखें तो हमें इस बात का पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह पे 1 को पुट करते हैं तो क्या बनेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। गौर से देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा नीचे डिवाइड हो रहा है तो जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसे क्या लिखेंगे, 2 sin थीटा ओवर cos थीटा मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से cos कैंसिल तो बाकी क्या बन जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा, यही कुछ हमें उसे प्रूव करके देना था। तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट सवाल हमारे पास है 1 minus sin थीटा ओवर cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ओवर 1 plus sin थीटा। स्टूडेंट्स आप एक बात का ख्याल रखेंगे, सवाल सॉल्व करते हुए ये भी ज़हन में आ सकता है इसमें ना तो tan है और ना cot है, तो लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं, लेकिन हम उस वक्त तक किसी भी सवाल का कॉन्जुगेट ले ही नहीं सकते जब तक डिनोमिनेटर मौजूद ना हो। तो डिनोमिनेटर आप देखेंगे 1 plus sin थीटा हमारे पास मौजूद है राइट हैंड साइड पे, तो सवाल को सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड से, तो लिखते हैं 1 minus sin थीटा ओवर cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ओवर 1 plus sin थीटा। तो सवाल को सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड में क्या करते हैं जी, इसके कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और साथ में डिवाइड भी कर देते हैं। स्टूडेंट्स आप एक बात का ख्याल रखेंगे कि जब हम सवाल को लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करके दे रहे हो उस वक्त तक हम ये स्टार में इक्वल नहीं लगाते जब तक हम एक साइड लिख रहे हो। अगर हम दोनों साइडों को इक्वल तौर पे सॉल्व कर रहे हैं तो दरमियान में इक्वल होगा तो स्टार्ट में इक्वल नहीं लगाएंगे। तो मैं एक साइड को सॉल्व कर रहा हूं तो मैंने स्टार्ट में इक्वल लगा दिए जी, क्या लिखेंगे, cos थीटा 1 minus sin थीटा। तो नीचे देखेंगे गौर से तो आपके पास फार्मूला है a plus b a minus b, तो मैं इसे लिखूंगा 1 का स्क्वायर 1 minus sin स्क्वायर थीटा, तो क्या बनेगा cos थीटा 1 minus sin थीटा ओवर इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर कैंसिल तो बनेगा 1 minus sin थीटा ओवर cos थीटा, यही कुछ प्रूव करके देना था। तो हम नेक्स्ट सवाल करेंगे, 17वां सवाल आपके पास है tan थीटा plus cot थीटा। तो स्टूडेंट्स आप सेम उसी तरह से tan को लिखेंगे sin ओवर cos plus cot को लिखेंगे cos ओवर sin, स्क्वायर वैसे का वैसे चलता रहेगा, आप इसका एलसीएम लेंगे, ऊपर आपके पास फार्मूला बनेगा sin स्क्वायर थीटा plus cos स्क्वायर थीटा, उसको लिखेंगे इज इक्वल टू 1, नीचे cos है ऊपर बनेगा secant, नीचे आपके पास है sin तो ऊपर बनेगा cosecant, यही कुछ आपके पास राइट हैंड साइड है। तो इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो ज्यादातर बोर्ड वाले 5 नंबर का क्वेश्चन पेपर में दे देते हैं, तो कौन सा क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 18। तो स्टूडेंट्स कोशिश करेंगे, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन हम कोई ऐसा तरीकाकार लाएंगे या ऐसा फार्मूला पुट करेंगे इसे जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर करेंगे 18, tan थीटा प्लस secant थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस secant थीटा। तो स्टूडेंट्स गौर से देखें, हमें राइट हैंड साइड देखने से इस बात का अंदाजा हो चुका है
कि किसी तरीके से ये 1 हम खत्म कर दें तो tan थीटा प्लस secant थीटा हम बनाने के काबिल हो जाएंगे। तो कोई ऐसा काम करते हैं कि 1 की वैल्यू लिख सकें। स्टूडेंट्स गौर से देखें तो इस 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूं यहां से tan स्क्वायर थीटा प्लस का तो दूसरी तरफ होगा माइनस का, तो क्या बनेगा secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सवाल ये पैदा होता है कि मैंने इस 1 की जगह पे ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्यों नहीं लिखा। तो स्टूडेंट्स आप गौर से देखें तो सवाल में फंक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं tan थीटा और secant थीटा, तो मैं इसी वजह से ताकि फंक्शन एक जैसे हो जाए इस 1 की जगह पे लिखूंगा secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सवाल को सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, जी क्या लिखेंगे tan थीटा प्लस secant थीटा माइनस है तो ब्रैकेट लगाते हैं secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इस फार्मूले से जी, तो क्या लिखेंगे tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1 वैसे का वैसे। अब गौर से देखें ये आपके पास फार्मूला है secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं आसानी से a माइनस b into a प्लस b, तो इसको लिखेंगे tan थीटा प्लस secant थीटा माइनस secant थीटा माइनस tan थीटा साथ में secant थीटा प्लस tan थीटा ओवर tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1। तो स्टूडेंट्स गौर से देखें तो ये आपके पास पहली टर्म है ये दूसरी टर्म है, तो इसमें tan थीटा प्लस secant थीटा सेम आ रहे हैं तो ये कॉमन लेते हैं क्योंकि हमें भी राइट हैंड साइड पे इसी चीज की जरूरत है। तो क्या लिखेंगे tan थीटा प्लस secant थीटा को कॉमन लेते हैं तो ये कॉमन लिया हमने तो बना 1 माइनस, प्लस वाले को कॉमन ले रहे हैं तो माइनस वाला मैं लिखूंगा, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि स्टार्ट में माइनस है तो इन दोनों टर्मों का साइन चेंज कर देंगे तो क्या बनेगा माइनस secant थीटा प्लस tan थीटा ओवर tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1। स्टूडेंट्स गौर से देखें tan थीटा प्लस का तो tan थीटा माइनस secant थीटा तो माइनस secant थीटा प्लस 1 तो प्लस 1, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमने इसे प्रूव करके देना था tan थीटा प्लस secant थीटा। तो नेक्स्ट सवाल आपके पास है क्वेश्चन नंबर 18। स्टूडेंट्स अगर चाहें आप तो इस क्वेश्चन नंबर 18 को आप दोनों तरफ से सॉल्व करके इसका जवाब आप फाइंड कर सकते हैं जो cot थीटा आएगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं सवाल को लेंथ नहीं बनाएंगे, कोई ऐसा काम करते हैं कि सवाल को आसानी से सॉल्व कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 18 को किस तरह से सॉल्व करते हैं, जी सवाल की स्टेटमेंट आपके पास है 1 माइनस cosecant थीटा माइनस cot थीटा 1 ओवर sin थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर sin थीटा माइनस 1 ओवर cosecant थीटा प्लस cot थीटा। जी डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे जो ओल्ड वाले फंक्शन है उनको लग के साइड पे ला कर लेते हैं, सीधे फंक्शंस को एक साइड पे ला कर लेते हैं तो क्या बनेगा गौर से देखें तो ये फंक्शन आपके पास 1 प्लस 1 ओवर cosecant थीटा माइनस cot थीटा, ये सेम उसी तरह का फंक्शन है प्लस में, ये राइट साइड पे माइनस का है तो लेफ्ट पे क्या होगा प्लस में 1 ओवर cosecant थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर sin थीटा, यहां पे sin थीटा है माइनस में तो दूसरी तरफ क्या होगा प्लस में 1 ओवर sin थीटा। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं इनके अलग-अलग एलसीएम ले लेते हैं, तो गौर से देखें आप मैं दोनों साइडों को इक्वालिटी में सॉल्व कर रहा हूं तो दरमियान में इक्वल वैसे का वैसे लगाते हैं तो क्या बनेगा cosecant थीटा माइनस cot थीटा cosecant थीटा प्लस cot थीटा, जी माइनस से माइनस वाला कैंसिल तो ऊपर क्या लिखेंगे cosecant थीटा प्लस cot थीटा प्लस प्लस से प्लस वाला कैंसिल तो cosecant थीटा माइनस cot थीटा। स्टूडेंट्स ये माइनस से प्लस वाला cot कैंसिल तो ऊपर क्या बनेगा cosecant और cosecant ऐड हो रहे हैं तो बनेगा 2 cosecant थीटा। नीचे गौर से देखें तो आपके पास क्या बनेगा a माइनस b a प्लस b, इसका मतलब क्या हुआ कि cosecant स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट तीसरे फार्मूले पे आप आएंगे देखेंगे यहां पे प्लस का cot है तो दूसरी तरफ माइनस का होगा मतलब cosecant स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा 2 कोसेकेंट थीटा, ये इज इक्वल टू 1 हुआ। तो स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड पे आते हैं, अगर हमारे पास 2 कोसेकेंट थीटा जवाब नहीं आ रहा तो मतलब है कि हम सवाल को गलत सॉल्व कर रहे हैं। जी इसका एलसीएम लिया तो साइन से साइन कैंसिल, तो 1 प्लस 1 तो क्या बना 2 ओवर साइन थीटा, तो साइन थीटा का ऑर्डर क्या है कोसेकेंट थीटा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड उसे इक्वल करके देनी थी। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो बिल्कुल आसान सा सवाल है, उसने दिया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 21 और 22 वाला बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, इसमें से एक मैं करूंगा दूसरा आप खुद करेंगे, 23 वाला फिर करते हैं। जी अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को, क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक स्टेप का सवाल है ये, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो आपने आठवीं क्लास में फार्मूला पढ़ा था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, अगर फार्मूला माइनस का हो तो हम ए बी के साथ प्लस लगाते हैं, तो इस फार्मूले को ओपन करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से तो क्या बनेगा ए माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, माइनस है फार्मूले में तो ए बी के साथ प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स गौर से देखें ये फार्मूला हमारे पास है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हमें इसे यही प्रूव करके देना था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट सवाल आपके पास है 21 वाला, सेम इसी तरह से 22 वाला भी है, तो स्टूडेंट्स मैं सवाल सॉल्व करूंगा 22 वाला, क्योंकि आपने 21 में माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्रूव करके देना है, 22 में आपने -3 sin square theta cos square theta प्रूव करके देना है, तो मैं क्वेश्चन करूंगा 3 वाला 1 वाला आप खुद से करेंगे। जी क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं, sin 6 theta plus cos 6 theta is equal to 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट सेम उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्यूब वाला सबसे पहले फार्मूला बनाऊंगा, उसके बाद जो अभी हमने फार्मूला ओपन किया है वो था माइनस में, इस सवाल में इस्तेमाल कर रहा है प्लस में, तो प्लस वाला फार्मूला ओपन करेंगे, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, तो इसे ओपन करेंगे a प्लस बी साथ में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, अब फार्मूले में आपके पास है प्लस तो इधर क्या इस्तेमाल करेंगे हम माइनस ए बी, तो मतलब क्या हुआ माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स गौर से देखें हमें सवाल में क्या चाहिए कि -3 sin square theta cos square theta, तो हमारे पास तो माइनस का 1 है, इसका मतलब हुआ कि कोई ऐसा काम करें कि -2 sin square theta और cos square theta इसमें ऐड करें ताकि -1 पहले से मौजूद है, जब 2 और ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा -3, लेकिन मैथ का रूल है कि जिस चीज को हम ऐड करेंगे उसी को सबट्रैक्ट करेंगे। तो जी गौर से देखें इसको मैं लिखूंगा sin square theta plus cos square theta is equal to 1, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने अपनी तरफ से ऐड किया, इसमें 1 था माइनस में तो 2 प्लस का जो मैंने लिखा इसी से 2 सबट्रैक्ट करते हैं माइनस में लिखेंगे, 1 पहले से मौजूद है तो ये क्या बनेगा -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जी क्या लिखते हैं
गौर से देखें आपके पास फार्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको लिखेंगे जी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 के, माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, यही कुछ हमने उसको प्रूव करके देना था। तो हम आते हैं आज के लेक्चर के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, 1 ओवर 1 प्लस sin थीटा प्लस 1 ओवर 1 माइनस sin थीटा। स्टूडेंट्स ये पूरी एक्सरसाइज में सबसे आसान तीन सवाल है, आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास बनेगा डिनोमिनेटर में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो ऊपर आपके पास बनेगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो आप लिख सकते हैं 2 वैसे का वैसे, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, तो cos को आप लिख सकते हैं ऊपर जाकर secant स्क्वायर थीटा। तो आज हम 9वें चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे कि उसने इस चैप्टर से तीन शॉर्ट क्वेश्चन देने हैं, साथ में एक या दो एमसीक्यूज और एक लॉन्ग क्वेश्चन देगा 5 नंबर का। तो जो वो लॉन्ग क्वेश्चन देगा, अगर उसने 9.2 एक्सरसाइज को टच किया तो वो क्वेश्चन देगा 7वां 8वां, अगर उसने 9.4 में से दिया तो क्वेश्चन देगा 18, या फिर देगा ये जो हमने अभी सॉल्व किया 22 वाला क्वेश्चन। तो जी इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं 24 वाला। क्वेश्चन हमारे पास है cos थीटा प्लस sin थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा ओवर cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 2 ओवर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट सेम उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास क्या बन जाएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा जी। अब गौर से देखें तो ये माइनस वाले से माइनस वाला कैंसिल, तो ऊपर क्या बनेगा cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर, cos थीटा sin से ये मल्टीप्लाई हुआ cos थीटा प्लस sin थीटा, तो ये स्क्वायर बनेगा। तो मैं डायरेक्ट इसको ओपन करके लिख रहा हूं a स्क्वायर प्लस मतलब b स्क्वायर या दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस। स्टूडेंट सेम उसी तरह से आप देखेंगे कि प्लस से प्लस वाला कैंसिल, तो माइनस वाला मल्टीप्लाई माइनस से हुआ तो क्या बनेगा माइनस वाले का स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं सेम उसी तरह से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 a इनटू b। स्टूडेंट्स गौर से देखें माइनस का फार्मूला था तो माइनस मैंने 2ab के साथ माइनस लगाया, प्लस का था तो प्लस, ये प्लस से माइनस वाला कैंसिल, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसकी जगह पे मैंने 1 लिखा प्लस 1, नीचे आपके पास फार्मूला बन रहा है जी cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, क्यों cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा हमने लिखा, क्योंकि हमें इस बात का पता है a plus b into a minus b को मल्टीप्लाई करें तो हम लिखते हैं a square minus b square। स्टूडेंट्स अब आप गौर से देखेंगे आपके पास राइट हैंड साइड में कौन सी वैल्यू उसने दी है 1 minus 2 sin square theta, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी तरीके से इस cos को खत्म करें ताकि जवाब sin में दे सकें, तो क्या करते हैं पहले फार्मूले से इस cos की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो cos की वैल्यू क्या बनेगी sin square theta लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस का है तो राइट हैंड साइड में क्या होगा माइनस का, इसको मैं लिखूंगा 1 plus 1 2 cos square theta की जगह पे 1 minus sin square theta माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो क्या बन जाएगा 2 जी 1 माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स यही कुछ हमारा 9वां चैप्टर था, इसका हमने आपके सवाल भी सॉल्व कर लिया है, तो उम्मीद है आपको सभी सवालों की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपसे कोई सवाल हल ना हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।